नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को हराकर चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर सत्ता में काबिज हुई बीजेपी के नेताओं का अगला निशाना राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, यानी कि RCA है। अब क्रिकेट को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। खेल परिषद की शिकायत पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को सहकारिता रजिस्ट्रार की ओर से नोटिस दिया गया है। सहकारिता रजिस्ट्रार RCA की जांच करेगा। जारी नोटिस के 5 बिंदुओं पर RCA को जवाब देना होगा। देखिए, जहाँ तक 34 करोड़ की बात है, वो कोर्ट के अंदर मैटर अधीन चल रहा है उसका, और हमने रिक्वेस्ट भेजी थी कि MOU को एक्सटेंड किया जाए, और अभी तक MOU एक्सटेंड नहीं हुआ था। इनका नोटिस अभी हमें 2 दिन पहले ही मिला है कि आप RCA अकेडमी और जो दूसरा ग्राउंड है उसको स्पोर्ट्स काउंसिल अपने अधीन लेगा। अब सर, आपकी तरफ से क्या कुछ प्रोसेस रहेगा RCA की तरफ से वापस स्टेडियम लेने के लिए? अरे, हमने तो रिक्वेस्ट भेज रखी है, MOU के लिए भी भेज रखी है, और अभी तक उसमें कोई जवाब आया नहीं था। सर, इनका कहना है कि काफी साल से पैसा बताया था, तो वो मामला जो है पैसा का, वो आज या कल की बात नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि काफी साल से वो मुद्दा अभी चल रहा था RCA और स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच में, और वो मैं इसलिए कुछ नहीं कमेंट कर सकता कि वो कोर्ट के अधीन है मामला। एक सर, एक नया विवाद आया चूरू क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर, आप पर भी आरोप लगे कि पराक्रम सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, उसमें जो तारीख की जो विवाद आया है, तारीख के ऊपर तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि तारीख जिस तरीके से विवाद में आ रहा है कि 2 तारीखें आ गई नोटिस में कुछ और है, उस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। ये तो आप संबंधित लोगों से ही पूछें। और जहां तक हर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन 4 साल में चुनाव होते हैं, तो वहां रिक्वेस्ट आई थी RCA में, और वहां ऑब्जर्वर गया था। खेल अधिकारी करण सिंह ने कहा कि MOU समाप्त हो गया है। हमने उन्हें कई बार नोटिस भेजा है, 34 करोड़ रुपए बकाया है, और इसलिए हम, यानी कि अकादमी और स्टेडियम का कब्जा लेने के लिए यहां आए हैं। नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया की आवश्यकता है। MOU एक बार खत्म होने के बाद पूरा नहीं हुआ। MOU खत्म हो गया, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई? MOU खत्म हो गया, एक MOU तो जुलाई 23 में खत्म हो गया, दूसरा 21 को हुआ। इनको बार बार नोटिस भी दिया गया है, और हमारे काफ़ी ड्यूज भी बाकी है, करीबन 34 करोड़ रुपये बाकी है, वो भी इन्होंने पे नहीं किए, अतः कब्जे की कार्रवाई कर रहे हैं। कितना साल का बकाया है? काफ़ी साल का, 34 करोड़ है। अब आप देख लो तो बड़ा अमाउंट है, और MOU जो ख़त्म हो गया तो उसको रिन्यू करने का सारा प्रोसेस होता है, वो कुछ नहीं किया इन्होंने। बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वैभव गहलोत हैं RCA के अध्यक्ष, बातचीत हुई आपको? नहीं, मेरी कोई बात मुझे तो क्या कुछ है ना, कुछ नहीं, मेरे सेकंड साहब से बात कर, मुझे तो पोजीशन के लिए बोला गया, तो मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ। तो लॉक वॉक लगाएंगे? अभी 4:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, तब तक ये कुछ करते तो ठीक है, तो आगे कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा करण सिंह खेल। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा स्थित सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। स्कूल के 3रे टीचर के खिलाफ धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और प्रतिबंधित जिहादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में जांच शुरू करने के आदेश दिए। कल सांगोस क्षेत्र के एक विद्यालय में धर्मांतरण का मामला पाए जाने पर आपने कार्रवाई करी है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई उसमें की, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान के कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के खजूरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की TC में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया, वहां धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहां लवजिहाद का षड्यंत्र चल रहा है, और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने 3 शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का करने का मन बनाया है, और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान
अध्यापक लेवल वन है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सारी शिक्षक है इसको भी निलंबित कर दिया है और एक सबाना है उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने बीफ मंडी को लेकर अधिकारियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नेता और अधिकारी दोनों की मिली भगत से बीफ मंडी चल रही थी। गौ तस्करों को छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस सभी को ढूंढ ढूंढ कर निकालेगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली धौलपुर पहुंचे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के बाद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सचिन शर्मा की शुक्रवार को मौत हो गई। आरोप है कि इस लापरवाही के कारण युवक की दोनों किडनी खराब हो गई। उसे मेडिकल आईसीयू में रखा गया था। सचिन की मौत के बाद आक्रोशित परिजन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और शव लेने से इनकार कर दिया। शुक्रवार देर शाम शहर के वकीलों ने न्यायालय भवन को नए भवन में शिफ्ट किए जाने को लेकर पानी की तंगी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि नए न्यायालय भवन में वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर नहीं है, साथ ही आमजन के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। अगले माह लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसे ठीक पहले भाजपा ने पूर्वी राजस्थान की सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए शनिवार से ERCP को लेकर हुए समझौते पर धन्यवाद यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में निकली। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद से लगातार तबादलों का दौर जारी है। IPS और IAS के तबादलों के बाद अब जिला स्तर पर पुलिस कर्मियों के तबादले हो रहे हैं। वहीं एक अनोखा मामला भी सामने निकल कर आया है, जहां पर एक डॉग का उदयपुर से ट्रांसफर किया गया। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर पलटी मारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 12 जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम में परिवर्तन लगातार आ रहा है। मौसम विभाग का नया अपडेट है कि उत्तर भारत में बर्फबारी के बीच 26 फरवरी से राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। प्रदेश के जयपुर सहित 12 जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा।